फिर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के इसके जो टेक्निक है स्पीड कंट्रोल करने का वो क्या होता है, और इस चीज का आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इस क्लास के लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो वी सीरियसली आप इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्पीड कंट्रोल क्या होता है। तो स्पीड कंट्रोल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब, अपना हाथ में हो, अपना कब्जा में हो, चाहे पढ़ा ले जब चाहे घटा ले। तो रेटेड, ठीक है बैठिए, रेटेड स्पीड के अलावा भी यदि आपके पास यदि कोई चॉइस हो कि वो जो स्पीड में घूम रहा है ऐसा फैसिलिटी हमारे पास हो कि उसे हमको ज्यादा स्पीड में घुमा दें या उससे कम स्पीड में घुमा दें, इसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोल। आपके पास चॉइस होनी चाहिए उसकी घूमने की गति को कंट्रोल करने की, तो इसी को बोलेंगे स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल क्या होता है आप लोग समझ गए। इससे पहले हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पीड, ये डीसी मोटर का स्पीड का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? डीसी मोटर में इसकी जो स्पीड होती है इसको एम से डिनोट कर रहे हैं, और ये किसी होता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बाय फाई, जब फाई को बोलते हैं फ्लक्स, इसका फील्ड को। ईबी मतलब क्या होता है, बैक ईएमएफ, मोटर है तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, यदि वो जनरेटर रहता तो क्या दिखाता, ईजी दिखा होता, जनरेटेड ईएमएफ, लेकिन मोटर के केस में होता है ईबी, और ये ईबी किसके बराबर होता है, V माइनस आई ए आर ए, यहाँ पर आई ए क्या है, आर्मेचर में बनने वाली धारा, और आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर स्पीड किसके किसके प्रोपोर्शनल है आपको पता चल गया, इसमें अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि वोल्टेज में हम वेरिएशन करेंगे कम ज्यादा करेंगे स्पीड भी कम ज्यादा होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस किसके, आर्मेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड फ्लक्स की, फील्ड में बहने वाली धारा या उस फ्लक्स पर इसमें जो फ्लक्स है यदि उसको हम कम ज्यादा करेंगे तो भी स्पीड में वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए, भुवनेश्वर जी बड़ा हो जाओ, इसमें बताओ कितने तरीके हैं स्पीड कंट्रोल करने के इस फार्मूला के हिसाब से। तीन, कौन कौन से, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और करंट को कम ज्यादा करते हैं रेजिस्टेंस। इस फार्मूला को देख के आपके मन में डाउट होना चाहिए यदि आप सीरियसली पढ़ने वाले होंगे तो, कि इसके हिसाब से भी तो स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों हम केवल तीन चीजों को लेते हैं, इसको क्यों नहीं लिया जाता है, क्या आप लोग इसके बारे में सोचे हैं। स्पीड कंट्रोल करते हैं तो जनरली देखा जाता है ये वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, जिसको फील्ड डाइवर्टर बोलते हैं। तो आई ए मतलब आर्मेचर करंट का इस्तेमाल करके हम स्पीड के कंट्रोल को क्यों नहीं करते हैं, क्या जब रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेंगे ना तो करंट अपने आप, मतलब देखिए आर्मेचर डीसी मोटर का सीरीज या शंट कोई भी होता है, दोनों इस केस में सेम है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम, लेस देन 1 या उससे कम होता है, 0.5 ओम तक होता है, कितना होता है, 0.5 ओम, ठीक ना। और इसमें बहने वाली धारा कितनी होती है, कितनी होती है फुल लोड की अवस्था में, नहीं जनरली 1 एम्पियर होता है, स्टार्टिंग का छोड़ दीजिए, जनरली 1 एम्पियर होता है,
तो इसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? आई ए आर ए कितना होगा? अप्लाई वोल्टेज कितना था? 230 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने फार्मूला निकाला तो उसमें क्या था? V माइनस आई एन आर एन। यहाँ पर इसका 230 माइनस हम 0.5 करेंगे तो इसको कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत माइनर नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसी कारण से इसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि हम इसमें इसका इसमें एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जैसे कि 10 ओम जोड़ दिए, तब केस में क्या हो जाएगा? 0.5 होगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन के दृष्टि से देखते हुए हम इसको 10 एम्पीयर ही लेते हैं। तो क्या होगा ये? अब 10 एम्पीयर करोगे तो इसमें बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित हो जाए। फुल लोड में क्या होता है, जब इसे फुल लोड में तब इसमें अधिकतम केस कब होता है? इसका अधिकतम मान अधिकतम 10 एम्पीयर तक ले सकता है। तब क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पर हम इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। 230 के बीच में कितना वेरिएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव दिखेगा सर्किट पर, इसका प्रभाव दिखेगा मोटर पर। इस पर कैसे दिखेगा? उसके रोटेशन पर दिखेगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। इसी कारण से आर्मेचर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, आर्मेचर करंट के कंट्रोल में का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमने देखा कि स्पीड कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं, और उन तीन तरीकों में से एक वोल्टेज को कंट्रोल करके कर सकते हैं, आर्मेचर की करंट आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ा करके, और तीसरा मेथड होता है परिवर्तन करके। धारा के मान को परिवर्तन दो तरीके से कर सकते, फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके कर सकते हैं, या तो फिर फील्ड के जो वाइंडिंग होती है उसमें टेपिंग लगा करके अलग अलग वाइंडिंग से हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड को ही फील्ड कंट्रोल मेथड बोला गया है, फील्ड में होने वाली धारा ISH, और तीसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। डायरेक्ट वोल्टेज को आप कम कर देंगे तो भी स्पीड जो है कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आज हम देखेंगे फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसके हिसाब से हम डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये आज हम जानने वाले हैं। तो हमारे नींद आ रही थी क्या? स्पीड कंट्रोल का जो फार्मूला है वो आपको याद है ना? या स्पीड का फार्मूला, डीसी मोटर की स्पीड का फार्मूला आपको, डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? सीरीज, निर्धारित करती है कि वह मोटर सीरीज है या शंट है, जिसमें दोनों प्रकार की फैसिलिटी होती है उसको कंपाउंड मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आर्मेचर है। आर्मेचर के पैरेलल में यहां पर जैसा होगा, आर्मेचर के पैरेलल में क्या लगा रहता है? डीसी शंट मोटर आपको दिख गया ना? हां। अब इसमें हम फील्ड में होने वाले धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ से? अच्छा मान के चलिए यहाँ पर
ये कंपोनेंट नहीं लगा रहा और इसको हम डायरेक्ट 230 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तब इसकी स्पीड मान के चलते हैं 1200 आरपीएम और इसका फार्मूला क्या होगा, V माइनस आई आ रहे लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेन करंट है वो दो भागों में टूट रहा है, कौन कौन से, IA रेटेड स्पीड में 1200 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है। अब हम इसमें इसके फील्ड वाइंडिंग में होने वाले करंट में वेरिएशन लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसके इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका मान क्या होगा, इसके हिसाब से कितना होगा आईएसएस का मान, इसके पैरेलल में क्या है, कितना वोल्टेज मिल रहा है 230 वोल्ट, इसका मान निकालेंगे कितना मिलेगा, मैंने मतलब है सप्लाई वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस। इसका शंट का रेजिस्टेंस यानी इसमें इसके मान में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो करंट का इसका क्या बोलते हैं स्पीड कंट्रोल होगी, लेकिन इसके मान में परिवर्तन कब होगा, जब इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा, और इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन कब होगा, जब हम इसके वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कम करने की कोई फैसिलिटी तो है नहीं, ये पहले से मान के चलिए 0.5 ohm जितना भी होगा उससे कम नहीं कर सकते, इसके मान को हमेशा हम बढ़ा सकते हैं, इसके मान को इसके रेजिस्टेंस को, इसके रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। अब करंट कम होगी तो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो इसका मान कम होगा, फ्लक्स का मान कम होने के कारण इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, तो क्या होगा रेजिस्टेंस ऐड करने पर क्या होगा, उसकी स्पीड 1200 आरपीएम से कम या बराबर या अधिक होगी, कितना मिलेगा, अधिक कितना मिलेगा विजय बाबू, आप समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम क्या दर्शाता है, एम क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जब 230 वोल्ट हम नॉर्मल दे रहे हैं कब, जब इसमें किसी प्रकार का फील्ड डाइवर्टर इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, तब रेटेड स्पीड पर ही 1200 आरपीएम में घूम रहा है। अब हम एक ऐसा टेक्निक लगाते हैं कि इसके फील्ड में कुछ रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि फील्ड में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं कर सकते, तो एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ करके हम इसकी फील्ड में रेजिस्टेंस जोड़ दिए तब इसकी करंट का मान हमेशा कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम होगा ना, करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, तो यहां पर फ्लक्स का मान कम होगा तब स्पीड बढ़ेगी। आप देखिए यहां पर कोई लोग के डायवर्ट हो जाता है, ये कितना है नंबर है 10 है, 10 को यदि हम दो लोगों में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यदि 10 को हम तीन लोगों में डिवाइड करेंगे तो 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 5 नीचे की संख्या यदि बढ़ेगी तो इसका मान जो है कम आएगा, सेम सिचुएशन यहाँ पर नीचे की संख्या यदि बढ़ेगी तो इसका मान इसका जो वैल्यू रहेगा वो कम आएगा लेकिन इसको डिवाइड करने वाला जो संख्या है वो कम आएगा लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर यदि किसी चीज का संख्या रहता है जैसे कि इसका मान 1 या 2 i का मान निकाल रहे हैं तो इसका इनवर्सली हो रहा है ना, इसका मान बढ़ रहा है
फाइनल रिजल्ट हमको कम मिल रहा है, इसका मान यदि कम है तो फाइनल रिजल्ट हमको ज्यादा मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा। केवल दो लोगों में बांटे तो फाइनल रिजल्ट 5 आया, 4 लोगों में बांटे तो फाइनल रिजल्ट 2.5 आया। तो इसका मान यदि बढ़ेगा तो फाइनल रिजल्ट जो है वो कम मिलेगा, इसका मान यदि कम होगा तो फाइनल रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो रेटेड डिस्ट्रिक्ट 1203 पर चल रही थी और इसके मान यदि कम हो गया तो फाइनल रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया। फील्ड डाइवर्टर मेथड का यही कॉन्सेप्ट है कि यदि हम फील्ड में करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर सकते हम, कम ही कर सकते हैं, क्यों? एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ करके। एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ने की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, एडिशनल रेजिस्टेंस को कम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है ये। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो रेटेड स्पीड आती है उससे हमेशा ज्यादा ही स्पीड हमको प्राप्त होती है, रेटेड स्पीड से हमेशा ज्यादा स्पीड की हमें जरूरत पड़ती है। तब कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। रेटेड स्पीड से यदि ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी तो कौन से मेथड इस्तेमाल किया जाता है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ये तो शंट मोटर की होगी, डीसी सीरीज यहाँ पर भी निकाल देखिए लगाया गया है, ये अभी वही काम करता है। डाइवर्ट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? इसके सीरीज में या तो आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है? टेपिंग। इसके फील्ड में आप अलग अलग टेपिंग लगाएंगे। यहाँ से यदि 107 नंबर के कमरे की दूरी पर मोटर है, यहाँ स्टार्टर है, तो स्पीड कंट्रोल करना होगा, क्या करना पड़ेगा? टेपिंग करना पड़ेगा। वहाँ फील्ड बांटेंगे, वायर खींच के लाएंगे, स्टार्टर को लगा देंगे और यहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे कॉन्ट्रेक्टर के जरिए से। जहां भी स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत होती है, आप मोटर को खोल के बार बार उसकी वाइंडिंग नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा? टेपिंग। उसकी वाइंडिंग में जो टर्मिनल्स लाते हैं उसको खींच के ले आते हैं स्टार्टर तक, लाते हैं ना, तभी जाकर के हम स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं। अब बार बार उसको उसी को खोल करके या कार्बन ब्रश को खोल करके उसकी वाइंडिंग को परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने जाना कि स्पीड कंट्रोल के बारे में आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो बताइए, मतलब फ्लक्स कंट्रोल मेथड की वजह से। संकेत क्या होता है स्पीड कंट्रोल? हमारे पास यदि कुछ स्पीड को कम या ज्यादा करने की च्वाइस होगी तो वो स्पीड कंट्रोल कहलाएगा। इसके लिए तीन प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हम लाइट वोल्टेज में वेरिएशन करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आर्मेचर में बहने वाली धारा को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस ऐड करके उसकी स्पीड को कंट्रोल कम ज्यादा करते हैं, और तीसरा होता है उसके फील्ड करंट को कम ज्यादा करके इसकी स्पीड में वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो तीसरा टेक्निक है उसके बारे में हमने जान लिया है कि डीसी सीरीज या शंट मोटर में फील्ड डाइवर्टर के हिसाब से स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो पूछिए, नहीं तो हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं। अरुण सर समझ गए, तब हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, ज्यादा नहीं यही पर देखिए, आईएसएच मतलब शंट में धारा, इसके अनुक्रम फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड में बढ़ने वाली धारा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कहां पर इस्तेमाल होता है, इसकी फार्मूला देखिए, यदि इसकी वैल्यू कम होगी तो फाइनल आउटपुट हमको ज्यादा मिलेगी, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी फाइनल आउटपुट हमें कम मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ये तो इसके अलावा बाकी के दो जो टेक्निक है आर्मेचर कंट्रोल में थी या वोल्टेज में वेरिएशन वाला, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये रेटेड स्पीड। अच्छा, आप लोगों के घर में जो मिक्सर लगा रहता है वो कितने आरपीएम पर होता है आपको पता है? 10,000 आरपीएम तक घूम सकता है वो, 10,000 आरपीएम तक। तो उसके लिए कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं? टेपिंग तो है, लेकिन वो फील्ड को कंट्रोल किया जाता है उसके। तो क्वेश्चन पर पहुंचे अब,
चाहे सचिन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू यूज स्पीड कंट्रोल आप ए डीसी मोटर एक डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं बताइए सर एक आर्मेचर मेथड दूसरा रेजिस्टेंस मेथड तीसरा वोल्टेज आर्मेचर रेजिस्टेंस और वोल्टेज में कम ज्यादा मतलब वेरिएशन करके और तीसरा फील्ड डाइवर्टर या फील्ड करंट को कम ज्यादा करके स्पीड को कंट्रोल करें फार्मूला आप डीसी मोटर यहाँ पर होना चाहिए स्पीड का स्पीड के लिए है स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है डीसी मोटर का ये पवन सर आप बताइए सर एन होता है बी माइनस आई ए आ रही है बाय आई पुलकित फ्लक्स कंट्रोल मेथड का उपयोग हम कहाँ करते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं भोपाल भुवनेश्वर फ्लक्स कंट्रोल मेथड का उपयोग कहाँ करते हैं फील्ड तो है और भी होता है लेकिन उपयोग हम क्यों करते हैं कहाँ करते हैं सोनू फ्लक्स कंट्रोल मेथड स्पीड कंट्रोल करने का जो थर्ड स्टेप था फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं हमने बोला था आपको ध्यान से सुनिए ये चीज तो हमने कई बार रिपीट किया जब रेटेड स्पीड से ज्यादा की स्पीड का हमको जरूरत पड़ती है तब हम इस मेथड का उपयोग करते हैं रेटेड स्पीड मतलब डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई करने पर जो अपनी पूरी स्पीड पर घूमता है उसकी रेटेड स्पीड कहलाती है ये वाली स्टार्टर से जब आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तब वो अपनी फुल स्पीड पर घूमता है उसकी रेटेड स्पीड कहलाती है रेटेड स्पीड क्या वैल्यू उसमें लिखा रहता है 12000 आरपीएम 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम वो उसकी रेटेड स्पीड है और उसकी रेटेड स्पीड से भी ज्यादा स्पीड हमको चाहिए तब हमको फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करना होता है ठीक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा टोटल ओवरऑल स्पीड कंट्रोल करने की केवल तीन टेक्निक है डीसी मोटर में और इन्हीं तीन टेक्निक में से किसी न किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं वो लेकिन एसी मोटर में होता है डीसी का ही कॉन्सेप्ट रहता है लेकिन वो एसी में होता है जिसमें सप्लाई वोल्टेज का जो एंगल रहता है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है थायरिस्टर लगाकर थायरिस्टर तो वो जब इस इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल पर टाइम एसी में होता है थैंक यू।